क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 5 एंड साइन वाई इज इक्वल टू 1 बाय रूट 10, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। जी हाँ, इसको ऐसे समझिए कि कह रहा है एक्स और वाई एक्यूट एंगल है, मतलब एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कैसे? तो एक्यूट एंगल मीन्स 0 to 90, 0 to 90 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, न्यून कोण। तो कह रहा है कि x और y न्यून कोण है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच है। तो x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और sin x का मान इतना और sin y का इतना दे दिया है, तो x plus y चाहिए, x plus y चाहिए, ये नहीं कि sin x plus y की cos x plus y, ऐसा कुछ नहीं। तो हम पे निर्भर है कि हम sin x plus y अप्लाई करें आपकी cos x plus y। तो इसके लिए देखिए आप क्या है, यहां पे दे दिया है given x and y, x and y are acute angles, अर्थात x and y lie in first quadrant, है ना, किस quadrant में है, first quadrant में, such that sin x is equal to 1 by root 5 और साइन वाई इज इक्वल टू 1 बाय रूट 10। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉस एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, मतलब 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय 5, अर्थात 5 माइनस 1 बाय 5 हो गया 2 बाय रूट 5। ये किसका, कॉस एक्स का। उसी तरह साइन वाई का वैल्यू पता है, इसलिए कॉस वाई बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, रूट अंडर 1 माइनस साइन वाई, मतलब 1 बाय रूट 10 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय 10, 10 माइनस 1 बाय 10, यानी अंडर रूट 9 बाय 10, 3 बाय रूट 10। ये तो कॉस वाई हो गया। तो क्या देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन वाई कॉस वाई, चारों आ गया ना। अब क्या, तो अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू 1 बाय रूट 5, इंटू कॉस वाई 3 बाय रूट 10, प्लस कॉस एक्स 2 बाय रूट 5, इंटू साइन वाई 1 बाय रूट 10। क्या हो गया ये, 3 बाय रूट 50 प्लस 2 बाय रूट 50, तो 3 प्लस 2 बाय रूट 50, 5 बाय रूट 50 को 5 रूट 2 कर सकते, कट गया 1 बाय रूट 2, किसके बराबर, साइन एक्स प्लस वाई, अर्थात साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 बाय रूट 2 माने साइन पाई बाय 4। इस प्रकार एक्स प्लस वाई बराबर पाई बाय 4 कह सकते हैं। प्रूव 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू 13 बाय 14 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 7, प्रूव दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर हम ये देखेंगे कि क्या सब दे दिया है। तो दिया है कि x एंड y lie इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि x एंड y आर एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण अंडर 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सच दैट cos x इज इक्वल टू 12/14, है ना। इसका मतलब साइन एक्स का मान क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट अंडर 1 माइनस 13/14 के स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 169/196 हो गया 196 माइनस 169/196 27/196, यानी 3√3/14 द साइन एक्स का वैल्यू। और चल फिर कॉस वाई का वैल्यू 1/7, इसलिए साइन वाई बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, रूट अंडर 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 1 माइनस 1/49, सब्ट्रैक्ट करो तो 49 माइनस 1/49,
48 अपॉन 49 4 रूट 3 बाय 7। अब क्या है यहां पे लिखेंगे वी नो दैट तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू रखा जाए तो गया 3√3/14 इंटू कॉस वाई यानी 1/7 माइनस कॉस एक्स 13/14 इंटू साइन वाई 4√3/7 कितना गया 3√3/98 माइनस 52√3/98 ये हो गया 3√3 - 52√3/98 माइनस में 49√3/98 49 2 - √3/2 किसके बराबर साइन एक्स माइनस वाई माइनस और ये हो गया साइन पाई बाय 3। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर माइनस साइन पाई बाय 3 साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 इसीलिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 यही तो हमको प्रूफ करना है।